रूस और यूक्रेन की जंग में आखिर भारतीय युवा क्या कर रहे हैं? क्या युद्ध के मैदान में भारतीय युवाओं को उतारा गया है या फिर उन युवाओं को मैदाने जंग में उतरने के लिए मजबूर किया गया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। रूस यूक्रेन जंग को 2 साल पूरे हो चुके हैं और ये जंग 3रे साल में प्रवेश कर चुका है। अगर भारत की बात करें तो इस वक्त भारत में रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा नहीं, बल्कि भारत में चर्चा इस वक्त उन लोगों को लेकर हो रही है जो भारतीय हैं। लेकिन रूस की तरफ से युद्ध के मैदान में वो पहुंच गए हैं। दरअसल पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि कुछ भारतीय नागरिकों को धोखे से और जबरन रूसी सेना में शामिल किया गया है। वहीं अब रिपोर्ट आ रही है कि गुजरात के 23 साल के लड़के की रूस यूक्रेन युद्ध में मौत हो गई है, जिसे युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था। इस शख्स की पहचान हेमिल अश्विन भाई मंगूकिया के तौर पर की गई है, जिसकी मौत 21 फरवरी को यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में हो गई थी, जिस पर अब रूस का कब्जा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी कब्जे से अपने क्षेत्र को छीनने के लिए यूक्रेनी सेना ने हवाई हमले किए थे, जिसमें इस गुजराती शख्स की मौत हो गई। सूरत के रहने वाले इस युवक को रूसी सेना ने सुरक्षा सहायता के रूप में काम पर रखा था और वह दिसंबर 2023 से रूस में रह रहा था। कहा जा रहा है कि इन भारतीय युवाओं को लाखों रुपए लेकर हेल्पर और सिक्योरिटी से जुड़ी नौकरियों के लिए रूस भेजा गया था। अच्छी नौकरी और बढ़िया कमाई की उम्मीद में रूस गए इन युवाओं को ट्रेनिंग देकर रूसी सेना में शामिल कर लिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक पिछले 1 साल में 100 भारतीय रूस पहुंचे हैं। इन भारतीय युवाओं को रूस में रोजगार दिलाने का दावा किया गया था और ये दावा एजेंटों की तरफ से था। रूस में नौकरी लगवाने के एवज में एजेंट ने वादा किया था कि रूस में हर व्यक्ति को हर महीने 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, बाद में तनख्वाह और बढ़ेगी, और इसी वजह से भारतीय युवा रूस पहुंच गए। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक रूस में नौकरी करने गए कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें हैदराबाद के मोहम्मद अफसान, तेलंगाना के नारायणपेट इलाके के सुफियान, उत्तर प्रदेश के अरबान अहमद, कश्मीर के जहूर अहमद, गुजरात के हेमिल, कर्नाटक के गुलबर्ग के सैयद हुसैन, समीर अहमद और अब्दुल नईम हैं। इन सभी से कहा गया था कि उन्हें हेल्पर का काम करना होगा, ना कि सेना में सैनिकों की तरह युद्ध लड़ना होगा। इन भारतीय लोगों के घर वालों का कहना है कि रूस पहुंचने के बाद सभी को कुछ दिन की ट्रेनिंग दी गई और फिर 24 दिसंबर 2023 को रूसी सेना में शामिल कर लिया गया। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कम से कम 3 भारतीयों ने दावा किया है कि उन्हें धोखा दिया गया और युद्ध में रूसियों की तरफ से लड़ने के लिए मजबूर किया गया। ये तीनों भारतीय उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कई श्रमिकों का दावा है कि उन्होंने घर लौटने के लिए सरकार से मदद मांगने के लिए मास्को में भारतीय दूतावास से संपर्क किया, और इन लोगों की तरफ से भी जानकारी दी गई कि रूसी सेना में तकरीबन 100 भारतीय भर्ती हुए। कुछ एजेंटों की तरफ से भारतीय युवाओं को फंसाया जाता है, सिक्योरिटी हेल्पर की नौकरी के एवज में जंग में भेजा जाता है। हथियार और गोला बारूद के रखरखाव के बाद युवाओं को युद्ध के मैदान में भेज दिया जाता है। भारतीयों को यूएई के जरिए मास्को भेजा गया। खैर, इन मामलों में कितनी सच्चाई है अभी इस बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी इसके बारे में सरकार की तरफ से पता लगाया जा रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर भारत में काफी चर्चा हो रही है। रूस गए भारतीयों में से एक के परिवार वालों ने AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद ओवैसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भारतीयों की वापसी की कोशिश करने को कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जयशंकर को टैग करते हुए लिखा कि इन भारतीयों की जिंदगी खतरे में है, उनके घर वाले परेशान हैं, कृपया इन्हें घर वापस लाने की कोशिश करिए। फिलहाल जब ओवैसी का ये ट्वीट सामने आया तो विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की कि कई भारतीय रूस में सेना के सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से बयान सामने आया। कहा गया कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना में सपोर्ट स्टाफ के तौर पर नौकरी शुरू की। इसे लेकर भारतीय दूतावास लगातार रूसी अधिकारियों के साथ संपर्क में है।
हम सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह करते हैं कि सावधानी बरतें और इस युद्ध से दूर रहें। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हमने रूसी सेना से निकलने में मदद मांग रहे भारतीयों के बारे में मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स देखी। मास्को में भारतीय दूतावास की जानकारी में आए ऐसे हर मामले को हमने रूसी अधिकारियों के सामने मजबूती से रखा है और मंत्रालय के संज्ञान में लाए गए मामले दिल्ली में रूसी दूतावास के सामने रखे गए हैं। हम भारतीय नागरिकों की जल्द से जल्द रिहाई के लिए रूसी अधिकारियों से बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि रूसी सेना में शामिल होने वाले भारतीय युवा सीधे जंग में हिस्सा ले रहे हैं या फिर नहीं। ये भी साफ नहीं किया गया कि अभी कितने युवाओं की रूसी सेना से रिहाई हो गई है। वहीं हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि रूसी सेना में काम करते हुए नेपाल के कम से कम 10 नागरिक मारे गए हैं, जिसके बाद हाल ही में नेपाल ने अपने नागरिकों को रूस और यूक्रेन में काम करने का परमिट देना ही बंद कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारत के लोगों के लिए रूस में खबर आई वो चौंकाने वाली है और इसकी सच्चाई को अभी खंगाला जा रहा है और कब तक इसकी सच्चाई सामने आएगी इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।